जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा, ग्यारस माता की कहानी और महापुण्य फल देने वाली पांच कहानी सुना रहा हूँ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, ग्यारस माता की जय हो। आइए सबसे पहले सुनते हैं निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी व्रत की कथा। जब वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी ने पांडवों से कहा, हे राजन कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है, द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी ना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अविष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करें तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार जब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें, वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य देते हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमय धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए, उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है
उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र गौ जल सैया सुंदर आसन कमंडलु तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंद में परम पद को प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत नर नारी दोनों को करना चाहिए। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेष साई रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके गोदान वस्त्र दान छत्र फल आदि का दान करना चाहिए। अब आइए सुनते हैं 11 माता की कहानी। एक लड़का सूट बूट पहनकर अपनी ससुराल पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। वह लड़के से कहने लगी कि बेटा मैं कीचड़ में फंसी हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकाल दो। वह कहने लगा कि नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। वह गाय क्रोधित होकर श्राप देती है, अच्छा तुम ससुराल जाओ, तुम वहां पर नहाओगे तो आधा गधा और खाना खाओगे तो पूरा गधा बनोगे। वह ससुराल पहुंच गया और उसके साले कहने लगे कि जीजाजी आप नहा धोकर खाना खा लो। तब वह कहने लगा कि मैं नहीं नहाऊंगा। तब वह कहते हैं कि ठीक है आप खाना तो खा लीजिए। तब वह खाने से भी इनकार कर देता है। सब परेशान हो गए कि जीजा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना तो ना रहे हैं और ना ही खा रहे हैं। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप क्यों नहीं नहाते या खाते हो। तब वह लड़का गाय की बात अपनी पत्नी से बताता है और कहता है कि मुझे गाय ने श्राप दिया है कि नहाऊंगा तो आधा गधा व खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं आप नहा लीजिए, वह कुछ खाना खा लीजिए, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपका साथ दूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने के लिए तैयार हो जाता है और खाने बैठता है तो पूरा गधा बन जाता है। सब उसको गधा समझकर भगाने लगते हैं तो पत्नी उनसे कहती है कि इसे मत मारो, ये मेरे पति हैं, इसे गाय का श्राप लग गया था इसलिए ये गधे बन गए हैं, आप मुझे इसके साथ ही विदा कीजिए। अब उसे उस गधे के साथ विदा कर देते हैं। वह गधे को लेकर एक जगह झाड़ के नीचे डेरा डालती है, दिन भर मेहनत मजदूरी करती है और 12 आने गधे पर खर्च करती है और 4 आने खुद पर खर्च करती है और बोझ गधे पर न ढोकर खुद ढोती है। इस प्रकार वह रोज करती है तो रानी महलों की खिड़की में से रोज यह नजारा देखती है कि ऐसा ऐसे कौन सा दुख है, यह ऐसा क्यों करती है। एक दिन वह दासी को भेजकर उसे अपने महल में बुलाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वह कहती है कि तुम वचन भरो कि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपना दुख बताऊंगी। रानी वचन भरती है कि बहन मैं वचन भरती हूँ। तब वह सारी बात बताती है और कहती है इस प्रकार मेरे पति श्राप की वजह से गधा बन गए। तब रानी पूछती है कि इसका उपाय क्या है। तब वह बताती है कि किसी ने 24 ग्यारस करी होंगी, वह संकल्प करके इसे 24 ग्यारस दे तो मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तब राज्य में ऐलान किया जाता है
कि 24 ग्यारस किसने की हैं। जिसने भी की हूँ वह राजमहल में आई उसे इनाम दिया जाएगा। तब एक बुढ़िया को लाया जाता है। जैसे बुढ़िया संकल्प करके ग्यारस का व्रत देती हुई नहाती है, उसके नहाने का पानी उस गधे पर गिरता है, वैसे वैसे वह गधा लड़के के रूप में आता है। बुढ़िया लालच करके एक ग्यारस रख लेती है तो उसका एक कान गधे का रह जाता है। सब कहते हैं कि यह क्या हुआ। तब बुढ़िया कहती है कि मैं भूखी प्यासी मरी, मेरे पास भी एक ग्यारस रहने दो। तब सब कहते हैं नहीं नहीं, तुमने संकल्प किया है तो सारी ग्यारस इस लड़के को दे दो, नहीं तो यह पूरी तरह लड़का नहीं बन पाएगा। अब बुढ़िया सारी ग्यारस उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरह लड़का बन जाता है। राजा सारे राज्य में ऐलान करते हैं कि जिनसे बन पड़े ग्यारस का व्रत करो। ग्यारस के व्रत जैसा दूसरा कोई व्रत नहीं। बोलो ग्यारस माता की जय। अब आइए सुनते हैं ग्यारस माता की दूसरी कहानी। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की दो बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया और उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का एक प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर दिया। अपनी छोटी बहन को देते हुए कहा कि तुम इस लड्डू को खा लो। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि राजा की छोटी बेटी पर ग्यारस माता की कृपा थी, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आशाचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया, जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिसके वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ मैं तो जानती हूँ, मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर
वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आशाचकित हो गई। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार को और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू कर दिया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू कर दिए तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लिया और उसको जान से मार दिया। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लिया। जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में धारण किया तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाई और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसके बाद राजा ने बड़ी बड़ी वैद्यों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है, यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया, वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया, जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जान कर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहां पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन के रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ।
और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास व्यवहार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ने यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया, जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते ही राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहां से चला गया। राजकुमार को वहां से बाहर निकलता बड़ी बहन के सैनिकों ने देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी, जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा दिए, पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख दिया। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आई, एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली गई, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगी। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहने लगी कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगी कि मैं तुम्हारी महारानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आई, तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में घुस गई और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और उसे जीवित कर दिया और वहां से ले गई और राजा की छोटी बेटी के पास पहुंचकर वापस लौट गई। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास गया, यानी राजा की बड़ी बेटी के पास गया और उसे कहने लगा कि तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा कि तुम माँ से उनके गले का हार मांग लो, जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी माँ के पास गया, यानी राजा की बड़ी बेटी के पास गया और कहने लगा कि माँ मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित हुई, पर उसको यह याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगी, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे दिया और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे दिया। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहा कि तो हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया, जिसके बाद वह राजा के पास गया और उनको सारी बातें बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित हुए और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगी और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के पास रहने के लिए आदेश दे दिया, जिसके बाद राजकुमार और राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की जीवन भर पूजा और उपासना करती रहीं। उसके बाद समस्त सुख भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चले गईं। बोलो ग्यारस माता की जय। अब आइए सुनते हैं ग्यारस माता की तीसरी कहानी। किसी देश में एक राजा राज करता था, उसके राज में प्रजा सुखी थी, एकादशी को कोई भी अन्न नहीं खाता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने ग्यारस माता से कहा कि तुम इस राजा की परीक्षा लो, देखें तो सही यह राजा एकादशी के व्रत का कितना पालन करता है और यह कितनी श्रद्धा रखता है। तब ग्यारस माता राजा की परीक्षा लेने चली गई। ग्यारस माता ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गई। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बनी ग्यारस माता बोली, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है,
किसी से सहायता मांगूं। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, ग्यारस का दिन है, मैं तो केवल फलाहारी करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में से ग्यारस माता और भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। बोलो ग्यारस माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।